मुनव्वर और विक्की को अलग करने की जो बिग बॉस की प्लानिंग थी दोस्तों, वो क्लियरली एक्सपोज हो चुकी है। और आखिर कैसे ये बातें बाहर आई हैं और किस तरीके से अलग करने की साजिश थी, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होश कनीश कांदो। आपको बता दें कि बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग की गई थी विक्की और मुनव्वर को अलग करने के, बिकॉज एक चीज समझिए कि अगर दो मास्टरमाइंड एक साथ मिल जाएंगे, दो स्ट्रैटेजिस्ट एक साथ मिल जाएंगे, तो क्लियर है कि उसके बाद कोई भी इनको पूरे घर में डिफीट नहीं कर पाएगा, नीचा नहीं दिखा पाएगा, या फिर यू कह लो कि नीचे नहीं गिरा पाएगा। लेकिन अभी तक अगर आपने मतलब जिस तरीके से गेम देखा है, चाहे वो विक्की हो चाहे वो मुनव्वर हो, दोनों ने ही अपने अपने गेम के पर्सपेक्टिव से, पॉइंट ऑफ व्यू से एक अलग नजरिया दिया है ऑडियंस को। और शायद यही वजह है कि दोनों ही जनता की नज़र में बैठ चुके हैं और जनता को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। जैसे आपने भी हाल फिलहाल ट्विटर पे एक खबर सुनी होगी, सोशल मीडिया पर एक खबर सुनी होगी, जो कि ऑलमोस्ट हर कोई दे रहा है कि भाई मुनव्वर फारूकी और विक्की जैन, इन दोनों की वीकेंड के बार पर क्लास लग रही है। आज वीकेंड के बार का शूट है, कल वीकेंड का बार आएगा 10 बजे और सैटरडे को आएगा 9 बजे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि भाई विक्की और मुनव्वर, इन दोनों की क्लास लग रही है। रीजन अभी तक अननोन है, सब सोशल मीडिया पर बातचीत हो रही है कि भाई ऐसा होने वाला है, अभी तक हुआ नहीं, एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा होता है तो एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर कट होगी कि ये इन दोनों को अलग करने के लिए किया जा रहा है। कि देखिए, मतलब कैसा है कि अगर दो मास्टरमाइंड आमने सामने आएंगे ना, तभी गेम में मजा आएगा। जैसे आपने अगर इस साल सुना होगा सिद्धार्थ का नाम आ रहा है, आसिम का नाम आ रहा है, तो अगर आपको याद हो पहले ये भी दोनों दोस्त थे, लेकिन जब आमने सामने आए तो शो की TRP पूरी एकदम बूस्ट हो गई। तो उसी तरीके का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे शायद बिग बॉस इस बार, कि भाई मुनव्वर और विक्की को आमने सामने लाया जाए, बाकी सबको छोड़ दो। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या सच में ऐसा कुछ होगा, हमें जरूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।